में शिक्षा सुधार रोजगार के साथ मैं हूं नीरज बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप अभ्यर्थियों से बड़ा निवेदन, वीडियो को लाइक जरूर करें, जनहित में अन्य अभ्यर्थियों को फॉरवर्ड भी जरूर करें। एसटीटी 2019 और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थियों को रिजल्ट का लॉलीपॉप तो मिल गया, पर बहाली कब तक, बड़ा सवाल। सरकार हाई स्कूलों में 1800 लाइब्रेरियन की बहाली की कर रही है बात, पर क्या ये लॉलीपॉप होगा या होगी बहाली। इस बीच सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली की कर रहे बड़ी मांग। दिव्यांग आरक्षण केस में शिक्षा मंत्री क्या दे रहे हैं अभ्यर्थियों को झूठा आश्वासन। बार बार सदन में झूठे आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों का उठ रहा भरोसा। स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थी सरकार और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से पूछ रहे बड़ा सवाल। क्या सिर्फ झूठा आश्वासन का लॉलीपॉप ही मिलेगा कि होगी सचमुच की बहाली। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री बार बार सदन में ये कहते हैं कि दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण हक है और हम आरक्षण देंगे, पर अभी तक शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी एक लेटर नहीं जारी किया गया। बार बार पटना हाईकोर्ट का हवाला दिया जाता है। पटना हाईकोर्ट में आइए दाखिल करने की बात की जाती है। अगर सरकार और शिक्षा विभाग एक लेटर जारी करके ये बात कह दें कि हम आरक्षण देने को तैयार हैं, ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार आपको ये बताना चाहता है कि अगर सरकार शिक्षा विभाग चाहती कि बहाली प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़े तो एक लेटर जारी करना था जिसमें आरक्षण के मुद्दे पर हामी भरने की बात थी कि स्वतः डिस्पोज हो जाता, पर सरकार शिक्षा विभाग सिर्फ झूठा आश्वासन अभ्यर्थियों को दे रही है, ऐसे में आज पर्दाफाश होगा। आप सुने शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थी को। आप समझे कि 11 फरवरी 2020 को इनका रिजल्ट आया, आज एक साल से ज़्यादा हो गया। बहाली प्रक्रिया में इनके बहाली पर कोई भी केस नहीं है, पर इनकी बहाली भी ठप पड़ी है, ऐसे में सरकार की मंशा पर बड़ा सवाल उठा है। अभ्यर्थी का दर्द सुने फिर हम आपको विश्लेषित करते हैं। हमारे साथ हैं शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी। पिछले एक साल से इनके पास रिजल्ट पड़ा हुआ है पर बहाली नहीं हो रही है। सर आपका स्वागत है। अभी जो आपके साथ नाइंसाफी हो रही, कब आपका रिजल्ट आया था और ये बहाली प्रक्रिया में क्यों आपको लटकाया जा रहा है? सर हम लोग का रिजल्ट 2020 में 11 फरवरी को आया था जी। अब 11 फरवरी 2020 से लेकर के अभी तक पूरा साल, एक साल से ऊपर हो गया जी। अभी तक सरकार कोई सुध नहीं ले रही है जी। कोई विचार विमर्श हम लोगों के ऊपर सरकार कर रही है, जबकि हम लोगों का जो परीक्षा हुआ था उसका ये समझिए कि हम लोग हाई कोर्ट में केस किए थे। एमजेसी के आधार पर हम लोगों का परीक्षा आनंद फानंद सरकार लिया, उसमें हमारे शिक्षा विभाग के ये क्या बोलते हैं प्रधान सचिव जो थे उस समय आर के महाजन जी थे, जिन्होंने एफिडेविट दिया था हाई कोर्ट में कि हम इन लोगों को 20 अप्रैल तक ज्वाइनिंग पत्र दे देंगे। 2020 में ही सर 11 फरवरी 2020 में रिजल्ट आया और इन्होंने एफिडेविट दिया था हाई कोर्ट में कि हम इन लोगों को 2020 में 20 अप्रैल तक इन लोगों को नियुक्ति पत्र दे देंगे जी। लेकिन अभी तक हम लोगों को झूठा पर झूठा आश्वासन ही मिलता रहा जी। उसके बाद विधानसभा का सत्र अभी 34 दिन का लगभग चला है जी। इसमें भी समझिए कि हम लोगों ने लगभग 7-8 विधायक द्वारा, एमएलसी द्वारा हम लोगों ने अपनी क्वेश्चन को दिए, बोले बताए कि इस तरह का मामला है, क्वेश्चन को उठाया गया, जिसमें एक हमारे राजद के भाई वीरेंद्र विधायक जी हैं जिन्होंने हम लोगों का क्वेश्चन उठाया, तारांकित प्रश्न किया, जिसमें उन लोगों ने मंत्री जी को जवाब देना था, उसमें उन्होंने समय को बाउंड किया था, जिसमें हमारे जो अध्यक्ष होते हैं सदन के अध्यक्ष, उन्होंने टाइम को ओवर कर दिया। जब समय का टाइम आया कि कब करते हैं, उन्होंने पूछा कि इसको कब करते हैं, तो उन्होंने टाइम ओवर कर दिया जी, जी, ये जी। सरकार का नीति है जी। ये सरकार का नीति है खाली गोल मोल नीति बना करके जब हम लोग को आश्वासन मिला है जी, तो ये समझिए कि हम लोगों को खाली लॉलीपॉप ही मिले और इसके सिवा कुछ नहीं मिला है जी। जी तो आप क्या समर्थन करते हैं इस लड़ाई की, इस मुहिम की, कि अब बेरोजगार जो भी अभ्यर्थी है, जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी, उनकी जल्द से जल्द बहाली हो, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन जो होने जा रहा है, इसमें आपका समर्थन है सर? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहिए, जो अभी अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं, वो चाहे शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थी हो या स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, उनसे क्या कहना चाहिए? जी हम सारे अभ्यर्थी से जितने एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, चाहे शारीरिक अनुदेशक अभ्यर्थी हो चाहे सामान्य के हो, जी सारे लोगों से मैं यही कहूंगा कि देखिए भाई, सरकार
केवल लॉलीपॉप दे रही है, सरकार बहाली करने नहीं जा रही है जब तक कि हम लोग एक्टिव नहीं होंगे, जब तक कि हम लोग लड़ेंगे नहीं। देखिए, जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। जी, सेम वही स्थिति है यहाँ पे। एक आखिरी सवाल सर आपसे होगा कि सरकार के जो भी उच्च अधिकारी हैं या मंत्री है, उनसे आप इस ऑडियो के माध्यम से क्या आप कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम अपने ऑडियो के माध्यम से सरकार के उच्च अधिकारी को, सरकार के शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी बहाली जितना हो जल्द से जल्द इस बहाली को पूर्ण किया जाए, क्योंकि हम लोग एक साल से हम लोग रिजल्ट आए हुए हो गया, एक साल से हम लोग दौड़ रहे हैं बहाली के लिए। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी बहाली को पूर्ण किया जाए। जी, हम सरकार को यही अपने ऑडियो के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द बहाली को पूर्ण किया जाए। ऑडियो सुनने के बाद शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी हो या स्टेट 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या 94,000 शिक्षक बहाली के इंतजार में बैठे अभ्यर्थी, समझे, शिक्षा मंत्री को बस एक लेटर जारी करना और ये कहना कि हम आरक्षण देने को तैयार हैं, आगे मापदंडों को पालन करने के लिए तैयार हैं, केस स्वतः खत्म हो जाएगा। आइए के नाम पर, आगे सुनवाई के नाम पर अभ्यर्थियों को ठगना बंद करें। आगे जो शिक्षक नेता बन रहे हैं, आगे अभ्यर्थियों को ये बता रहे हैं कि हम डेली सचिवालय जा रहे हैं, उन बेवकूफ लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि नेतागिरी बंद करें और सीधे मांग करें कि एक लेटर जारी करके आरक्षण के मुद्दे पर सरकार अपनी नीति साफ करें। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो नेता बन रहे आगे अभ्यर्थियों के पैसे पर ऐश कर रहे हैं, अभ्यर्थियों से रोज चंदा उगाही हो रही है और रोज सचिवालय के नाम पर अभ्यर्थियों से पैसा ठगा जा रहा है कि हम सचिवालय जा रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, सही मुद्दे की बात कोई नहीं करता। शिक्षा मंत्री को सीधे ये ज्ञापन देना है कि आप लेटर जारी करके अपनी स्थिति को साफ करें, केस स्वतः खत्म हो जाएगा। शिक्षा सुधार रोजगार कुछ बोलता है तो आप अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों को बुरा लगता है, पर हम सच बोलते हैं और सच आज आपके सामने है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के बहाली में कोई भी केस नहीं, पर उनको भी रोका गया। एस्टेट 2019 अभ्यर्थियों को अब ये कहा जा रहा है आप उत्तीर्ण हो गए पर सातवें चरण की बहाली में आपको लिया जाएगा, ये बहाना कब तक? ऐसे में आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक हो जाए। हम शिक्षा मंत्री को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि आप आरक्षण के मुद्दे पर, दिव्यांगजनों के आरक्षण के मुद्दे पर अपनी नीति साफ करें, एक लेटर जारी करें, केस स्वतः डिस्पोज हो जाएगा। क्यों अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा है? क्या शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री ये नहीं चाहते कि बेरोजगारों को रोजगार मिले? ये नाइंसाफी क्यों? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब अब शिक्षा सुधार रोजगार ढूंढ रहा है और जल्द ही आपको जवाब से हम रूबरू कराएंगे। बात सीटेट दिसंबर 2019 और जनवरी 2021 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की करेंगे। अभ्यर्थी अब संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की राह पर है। जो भी अभ्यर्थी इस मुहिम को लेकर ग्रुप जो बना उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने जिला का नाम, अपना नाम लिख करके आप ग्रुपों से जुड़े। आगे सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा रखा जा रहा है कि जब 3 लाख सीट रिक्त हैं, शिक्षकों की भारी कमी है, ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफी क्यों? संपूर्ण रिक्ति पर डोमिसाइल के साथ हो संपूर्ण बहाली। अभ्यर्थी घबराए नहीं, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा केस आपको देखने को मिलेगा। जुड़ जाए शिक्षा सुधार रोजगार से। अब बात करेंगे लाइब्रेरियन की बहाली की। लाइब्रेरियन बनने के इंतजार में पिछले 8 से 10 सालों से अभ्यर्थी डिग्री लेकर बैठे, ऐसे में 1800 लाइब्रेरियन की बहाली की बात सरकार कर रही है। ये लॉलीपॉप है या होगी सचमुच की बहाली, ये तो भविष्य ही बताएगा, पर अखबार की खबर आपके स्क्रीन पर है, क्या लिखा है जान ले। राज्य के जिस भी उच्च माध्यमिक स्कूल में 500 से अधिक पुस्तक है, वहाँ एक पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली होने की बात की जा रही है। ऐसे में वर्तमान में लगभग 1800 हाई स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली की बात सामने आ रही है। ऐसे में आप ये जान जाए कि बिहार में अब डोमिसाइल है, ऐसे में बिहार के 1800 अभ्यर्थी को संभावना है कि डोमिसाइल होने के कारण बहाली में मौका सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही मिले। लिखा है 2021-22 सत्र में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। पुस्तकालय अध्यक्ष बहाली के लिए नियमावली 2020 बनाई गई है। पुस्तकालय अध्यक्ष बहाली के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तात्पर्य यह है कि अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आगे लिखा है, जिस हाई स्कूल में 500 से अधिक पुस्तक होंगे वहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष का पद सृजित किया जाएगा। विभिन्न विश्वविद्यालय और सरकारी कॉलेजों में भी पुस्तकालय अध्यक्ष के पद रिक्त हैं। वहीं विवि और कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी अभ्यर्थियों के लिए हो सकती है, पर यह लॉलीपॉप ही रहेगा कि आगे बहाली
प्रक्रिया में बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहें, बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।